तो दोस्तों आ चुके आप सही जगह पे आए हो। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हुई एक्सट्रैक्शन 2, जिसके लीड हीरो है अपने थॉर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ। और आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का पहला पार्ट किधर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस मूवी का पहला पार्ट आया तब मेरे चैनल का जन्म भी नहीं हुआ था। और आपको इतनी ही खुजली है तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, आ जाएगा पहला पार्ट। तो मूवी के शुरू में हम एक्सट्रैक्शन 1 के कुछ सीन को देखते हैं जहाँ पर टायलर को गले पे गोली लगी है और वो एक नदी में गिर जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको उस नदी से निकाल कर दुबई के एक हॉस्पिटल में रख दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टायलर कोमा में है। यहाँ पर बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर टायलर को होश आता है और निक भी वही होती है। टायलर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो पहले की जैसे जिंदगी नहीं जी सकता, जिसकी वजह से टायलर काफी निराश होता है। उसको उस हॉस्पिटल में 9 महीने रहने के बाद डिस्चार्ज दे दिया जाता है। अब निक और उसका भाई टायलर को ऑस्ट्रिया में उसका नया घर दिखाते हैं। अब टायलर उसका पुराना काम नहीं कर सकता था, ये बात उसे काफी परेशान करती थी क्योंकि अब वो लगभग रिटायर जैसा हो चुका था। अब यहाँ पर टायलर अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है जिसमें उसको कुछ मजा नहीं आ रहा होता। वो अपनी फैमिली की पुरानी वीडियोस और फोटो देखकर काफी इमोशनल होता है। वो यहाँ पर अकेला होता है तो वो एक डॉगी और 2 मुर्गियों को यहाँ पर ले आता है। एक दिन जब टायलर बाहर से घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पे एक आदमी बैठा हुआ है। टायलर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो आदमी बताता है कि पहले सवाल मैं पूछूंगा, और वो पूछता है कि अगर तुम वही टायलर हो जिसने मुंबई में मिशन किया था और जिसने रियो में काफी तबाही मचाई थी, तो मुझको आपसे मिलकर खुशी हुई, पर अब तुमको देखकर लगता है कि तुम में अब वो बात नहीं रही। दरअसल मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने भेजा था और उसे लगता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर टायलर पूछता है कि क्या मिया किसी खतरे में है। उस पर वो आदमी जवाब देता है कि जी नहीं, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसकी बहन और उसके बच्चे मुसीबत में है। वो और उसके बच्चे जॉर्जिया की एक जेल में बंद है, उसको वहाँ पर उसके पति ने कैद किया हुआ है। उसके पति का नाम है डेविड। डेविड और उसका भाई जोरेब जॉर्जिया की एक खूंखार गैंग है जो अपने गैंग मेंबर्स को अपने फैमिली की तरह रखते हैं, जिसकी वजह से उनके गैंग के मेंबर्स उनके लिए मरने को भी तैयार होते हैं। उन दोनों ने शुरुआती दिनों में पहले ड्रग्स बेचे, फिर रिश्वत लेकर लोगों को मारना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे वो जॉर्जिया के डॉन बन गए और उनकी जेब में पॉलिटिशियन और पुलिस भी है। यहाँ पर तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें उन दोनों गैंग के बीच से उस फैमिली को बचा के लाना है, जहाँ पर उनमें से एक गैंग उस फैमिली के पीछे होगी और फिर दोनों के दोनों तुम्हारे पीछे। अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते, काम 3 हफ्तों में शुरू होगा, तो तुम अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ये सुनते ही टायलर मान जाता है। आगे हमें जोरेब को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि डेविड को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये सुनके जोरेब काफी गुस्सा होता है। इसके बाद जोरेब गवर्नर से मिलता है और डेविड को छुड़ाने की मांग करता है, लेकिन गवर्नर बताते हैं कि अमेरिका वाले नहीं मान रहे, इसलिए डेविड को अब थोड़े दिन जेल में ही रहना होगा। पर तुम चिंता मत करो, वो जॉर्जिया के जेल में ही होगा और उसकी फैमिली भी उसके साथ होगी, उसे अब तक की सारी फैसिलिटी दी जाएगी। इस बात को सुनते ही जोरेब कहता है कि तुम मत बोलो कि तुम यहाँ पर किसकी वजह से हो, और फिर वो एक फावड़ा लेता है और गवर्नर को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड ने उसकी फैमिली को भी जेल में रखा होता है। वो अपने बच्चों को अपनी तरह से पालना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसके बच्चे जेल में बड़े हो। दूसरी तरफ टायलर निक को फोन करके कहता है कि मेरे पास एक काम आया है, और एक बात कहूँ, रिटायर मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करना ही है। इस बात पर निक उसे कहती है कि तुम 9 महीने पहले कोमा में थे और अब मिशन पे जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है या फिर तुम पागल हो गए हो। निक बातें तो बहुत करती है, लेकिन टायलर उसे मना ही लेता है, और उसके बाद टायलर तैयारी करना शुरू कर देता है और कड़ी ट्रेनिंग से अपने शरीर को वापस में पहले जैसा करने को लग जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ये सब जॉर्जिया के जेल के लिए निकल चुके हैं, और हम ये भी देखते हैं कि उस जेल का एक सिपाही इनके साथ मिला हुआ है जो इनके लिए रास्ता बनाता है। यहाँ पर पहुंचते ही टायलर अंदर चला जाता है और किसी तरह मियाँ की बहन और उसके बच्चों को ढूंढ लेता है, लेकिन बाहर निकलते समय उस बच्चे के हाथ में से खिलौना गिर जाता है और उसकी आवाज से यहाँ के लोग उठ जाते हैं और टायलर के पीछे पड़ जाते हैं। निक और उसका भाई टायलर को गाइड कर रहे होते हैं वो जेल से बाहर निकल पाए, लेकिन तभी डेविड टायलर पर हमला कर देता है। अब डेविड और टायलर के बीच में बहुत सी फाइट होती है, जिसमें टायलर जीतता है और डेविड को मार देता है। टायलर ने अब जोरेब के भाई को मार दिया है। आगे हम देखते हैं कि निक बच्चों को लेकर निकल जाती है और टायलर की वजह से उस जेल के सारे कैदी बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पर जंग का माहौल हो चुका होता है। टायलर उन सब से लड़ता हुआ बच्चे और उनकी माँ को लेकर वहाँ से निकलने में सक्षम हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जोरेब के गुंडे अभी तक होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन, जहाँ पर टायलर एक रेलगाड़ी पे होते हुए एक हेलीकॉप्टर को गन से गिरा देता है, और आगे ये सब करते हुए ट्रेन की ब्रेक फेल हो जाती है और ट्रेन
आगे जाकर टकरा जाती है और न जाने कैसे लेकिन ये सारे के सारे लोग बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा ड्रामा जहाँ पर डेविड का बेटा काफी नाराज होता है क्योंकि टायलर ने उसके बाप को मार दिया है। आगे हम सौरभ को देखते हैं जिसने ठान ली है कि वो टायलर और उसकी टीम को मार ही देगा क्योंकि उसने उसके भाई डेविड को मार डाला है। दूसरी तरफ ये गधा डेविड का बेटा सौरभ को फोन करके बताता है कि हम सब लोग वियना जा रहे हैं। निक टायलर से काफी नाराज होती है क्योंकि उसने नहीं बताया था कि टायलर उसकी एक्स वाइफ की बहन को बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन टायलर अपना डूड है इसलिए वो निक को मना लेता है। और आगे के सीन में हम देखते हैं कि सौरभ का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है और वो सब इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टायलर और उसकी टीम इन सब का सामना करती है और बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सौरभ आ जाता है और वो डेविड के बेटे को अपने पास बुलाता है। दरअसल ये सब डेविड के बेटे की वजह से ही हुआ है। उसने सौरभ को फोन करके बताया था कि वो अभी वियना में है और सौरभ अपनी टीम को लेकर वहाँ पर आ जाता है। टायलर और उसकी टीम यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं और आगे हम देखते हैं कि निक इस बिल्डिंग से गिरने ही वाली होती है, लेकिन एंड वक्त पर वहाँ पर टायलर आ जाता है और उसको बचा लेता है। इन सब के बीच में यहाँ पर सौरभ आ जाता है और टायलर और सौरभ के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पर लड़ाई के समय पर नीचे का कांच टूट जाता है और सौरभ वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर आगे टायलर और उसकी फैमिली यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सौरभ पीछे से आकर निक के भाई को मार देता है। लेकिन सबको बचाने के लिए टायलर इन सबको लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से चला जाता है। ये सब देखकर निक काफी दुखी होती है, लेकिन टायलर उसे संभाल लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि टायलर की एक्स वाइफ मिया यहाँ पर आ जाती है और उसकी बहन और उसके बच्चों को देखकर काफी खुश होते हैं। और फिर वो टायलर को कहती है कि ये काम इतना मुश्किल ना होता तो मैं तुम्हें ये काम करने के लिए कभी देती ही नहीं। फिर टायलर उसकी बीवी से माफी मांगता है क्योंकि टायलर उनको उस वक्त पर छोड़ के गया था जब उसको और उसके बेटे को टायलर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद टायलर को सौरभ का फोन आता है और वो उसे कहता है कि जब तक तू जिंदा है मुझे चैन नहीं पड़ने वाला, और सैंड्रो वहाँ पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए। इस बात पर टायलर कहता है कि तू मुझे अभी बता कहाँ पर आना है, ये किस्सा आज के आज खत्म ही कर देते हैं। सौरभ कहता है समझौता करना है तो एयरफील आ जा सैम जॉर्जस चर्च के पास। टायलर कहता है कि समझौता तो नहीं होगा और उसके बाद टायलर अपने सारे हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर सौरभ के आदमियों से लड़ने के लिए जाता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन टायलर उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। अब टायलर उस जगह पर पहुंच जाता है और एक एक करके सौरभ के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है और इस फाइट में टायलर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सौरभ ने सेंट्रो पर बॉम्ब लगा रखा है, इसलिए टायलर उसे नहीं मारता। वो सेंट्रो को गन देता है और टायलर को मारने के लिए कहता है क्योंकि टायलर ने उसके पापा को मारा है, लेकिन सेंट्रो ऐसा नहीं कर पाता, वो टायलर को नहीं मार पाता। फिर सौरभ गन लेके टायलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर निक आ जाती है। सौरभ फिर उस पे बहुत सारी गोलियां बरसाता है लेकिन निक उससे बच जाती है। और फिर वहां पर सौरभ और टायलर के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है, जहां पर टायलर सौरभ को मार डालता है। फिर आखिर में वहां पर पुलिस आ जाती है और टायलर और उसके सभी साथियों को पकड़कर जेल में डाल देती है। फिर जेल में टायलर की वाइफ मिया आती है और उसे बताती है कि मरने से पहले उसका बेटा उसको बहुत ही याद करता था और उसने कभी टायलर से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये सुनकर टायलर बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ से टायलर को एड्रेस सेल्वा के कैरेक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो टायलर को जेल से छुड़वा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको एक काम करना होगा। उसके जवाब में टायलर कहता है कि मुझे निक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं उसके बिना कोई भी काम नहीं करता। ये सुन के वो आदमी निक को भी यहाँ पर बुला देता है। ये देख के टायलर उससे अपना नाम पूछता है तो वो उसे बताता है कि मेरा नाम यहाँ पर मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे जो ऊपर है उसका नाम जरूर मायने रखता है। तो फिर से तैयार हो जाओ एक बहुत बड़े मिशन के लिए। और ये सुनकर टायलर भी फिर से रेडी हो जाता है और यहाँ पर कहानी खत्म होती है। लास्ट का ये सीन देखकर हम कंफर्म कर पाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन 3 भी आएगी और यहाँ पर फिर से टायलर का वही मुंह तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे तो ये मूवी पहले पार्ट के कंपैरिजन में काफी एवरेज लगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।